दाल खिचड़ी। समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात, छोटी बच्ची हो क्या? अरे बेटा पोटी भी अभी लगी थी। अब किसको संभालो? ये बच्ची कहाँ से आ गई? बहुत फोन में आती हो ना, तो अब इस बच्ची को संभालो और एक दिन की माँ बनो। क्या एक दिन की माँ? अब ये मैं कैसे करूंगी? बात तो सही है। हेलो, मैं हूँ समीर और आज मैं करने वाली हूँ लिविंग लाइक मॉम फॉर 24 आवर्स। मतलब कि मैं बनने वाली हूँ पूरे एक दिन के लिए माँ। आज के चैनल में बहुत मजा आने वाला है और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और देखना ये है कि मैं अच्छी मॉम बनती हूँ या बुरी मॉम, वो तो अब आप लोग ही बताओगे देखकर। और जो मुझे मेरी बेटी मिली है मैं उसके पास जाती हूँ और हाँ, मुझे माँ वाला रूप भी तो धारण करना होगा। तो चलिए देखते हैं। मम्मी बनने के बाद तो सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। और वैसे मैं आप लोगों को मम्मी लग रही हूँ या नहीं? मैं आजकल की मम्मी हूँ ना, इसलिए ऐसी लग रही हूँ। और अभी तो मुझे अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाना है, घर के सारे काम करने हैं, बहुत कुछ करना है। चलो फिर चलते हैं। तो गाइस, आज मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी है और इसके लिए मैं अभी ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ, तो अब जल्दी से लेकर चलते हैं। बेटी मेरी इंतजार कर रही है और ये है मेरी बेटी के लिए चॉकलेट मिल्क, जो किसका फेवरेट है, लेकिन फिर भी वो बहुत नाटक करती है सारे बच्चों की तरफ। यार कैसी माँ है ना तू। मेरी बेटी हेल्दी होनी चाहिए बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए मैं भी खा रही हूँ कुछ भी। बेटा तुम्हारा नाश्ता आ गया, चलो आओ अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, ऊपर आओ, ऊपर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लो तुम्हारा चॉकलेट मिल्क। अरे ये तो मेरी सुनी नहीं रही है, इसको तो चॉकलेट मिल्क पसंद था लेकिन ये अभी बहुत नाटक कर रही है, क्या करूँ? रुको बेटा, बेटा खा लो वरना कमजोर हो जाओगी ना, आपको खाना पड़ेगा ना, ब्रेकफास्ट तो करना ही होता है। क्यों नहीं करना, चलो आओ। अच्छा मैं आपको कुछ आपका फेवरेट बना कर देती हूँ, आ जाओ, आ जाओ, चलो बाहर जाना है। अच्छा चलो बाहर लेकर चलूंगी, लेकिन अभी पहले खा लो, चलो चलो चलो, आ जाओ बेटा, आओ गोद में, आओ मेरी, आ जाओ। अब बताओ मुझे क्या खाना है? वाटर पार्क, चलिए वाटर पार्क। तो पहले खाना पड़ेगा, खाओगी? और दूध, चॉकलेट मिल्क पीना है? चलो आ जाओ। मान गई फाइनली, मेरी बच्ची तो सबसे प्यारी है, आ जाओ चलो अब हम खाएंगे। वाटर पार्क जाएगी, वाटर पार्क चलेंगे अभी, ये लो। वाओ चॉकलेट। कैसी दुष्ट माँ है, गरम गरम ही मुंह पे फेंक दी। चलो बेटा आप बैठ कर अब खाओ, मैं अब जरा काम करके आती फिर हम घूमने चलेंगे, चलो। सारा कुछ इस पे रख देती हूँ वरना मेरी प्यारी बेटी और ये मेरा बेटा छोटा सब इसको खा जाएंगे, खराब कर देंगे। ये सब अच्छे से रख देती हूँ फिर से वरना मेरी प्यारी बेटी और ये मेरा बेटा सारा कुछ खराब ना कर दे। नहीं मकासा तुम पहले हो। अच्छे से हम रेडी होंगे, आओ इधर आओ, इधर आओ, चलो मैं बाल बना देती हूँ अभी। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है ना। चुटकी 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 मम्मी कितना मेकअप करती है। बेटा मैंने तुम्हें भी तो मेकअप किया है, तुम्हें भी तो मेकअप पसंद है ना, मुझे भी मेकअप पसंद है। चल चलो चलो, रुको बेटा रुको, चप्पल तो पहन लो, रुको ऐसी। बहुत शांत बच्ची है, इसमें बुलवा रही हूँ तब बोल रही है, वैसे बहुत बोलती है लेकिन अभी नहीं बोली। चलो 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 चलो, आओ बेटा आओ, ये बच्ची खुद से सीढ़ियों से नहीं उतरेगी, ये बच्ची आएगी मेरी गोद में। मेरी बेटी है नखरे वाली, बिल्कुल मेरे जैसी, और यहाँ पर एक मिनट के रास्ते के लिए भी इसने करवाया रिक्शा और हम उसमें बैठ कर बाहर गए। मम्मी दादी चलो कितने टाइम लगेगा? अच्छा माँ बताओ तुम्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये कितनी जिद कर रही थी कि इसको बाहर जाकर खेलना है कहीं पर और टॉयज लेने हैं, तो चलो इसको लेकर चलते हैं और घुमा कर लाते हैं कहीं से, चलो। तो गाइस
इस बच्ची को लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। मेरी बेटी बाहर तो आ गई है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी से पूछना चाहूंगी कि बेटा क्या करना है आपको पहले? अभी बाहर आकर सबसे पहले क्या करोगे? आपको खाना है या गेम्स खेलने? गेम खेलना है। ये कह रही है मुझे गेम खेलना है पहले। वाह, ये मुझे गेम खेलने के लिए ही लेकर आई है, घर से यही बोली थी। चलो, अरे चल रही हूँ, चल रही हूँ, रुको। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया इसको, क्या हो गया यार? इसने टॉयज देख लिया इसलिए मुझे खींच कर ले आई है। अरे भैया, बाहर जाते ही मेरी बेटी तो बिल्कुल टॉयज देखकर पागल ही हो गई। उसको सारे टॉयज चाहिए थे, लेकिन मैं तो मम्मी हूँ ना, सारे टॉयज तो लेकर दे नहीं सकती। बजट में चलना होगा मुझे, पूरा घर जो चलाना है। ये बच्ची मुझे हर जगह खींच खींच कर ले जा रही है, जैसा लग रहा है ये मेरी मम्मी और मैं इसकी बच्ची। ये तो डर रही है और ऊपर से इतनी छोटी सी है। अरे यार, फिर भी चढ़ के जा रही है। जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, जाओ। तारारम पम तारारम पम। चिप्स खाना है? अच्छा, ओके। अरे अरे, हाँ, ये तो मेरे बाल खींच रही है। हाँ, आजकल की मम्मी बाहर आई है तो मुझे एक सेल्फी वेल्फी तो लेनी ही होगी। इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूं कि मैं आज मम्मी बनी हूँ। मम्मी मेरा किस चाहिए? अरे मेरी बेटी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुमने मेरा फोन कब लिया? असली मम्मी के पास आ गई। मम्मी अभी खुद ही बच्ची है और मम्मी की बेटी भी और छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची हो क्या? तेरी बच्ची को चुरा के ले जाऊंगी मैं। चुप हो जा, सातवीं फेल। बेटी को शॉपिंग बहुत पसंद है, बाहर जाकर उसे सारा कुछ लेना ही लेना है, तो उसने अपने लिए एक बैग लिया, वो भी बहुत चूज करने के बाद। क्या चाहिए अब? ये और वो, ये भी तो लिया अभी, ये भी तो लिया। क्या चाहिए बताओ? ये तो रो रही है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये तो जिद कर रही है बहुत ज्यादा। ये लो ना, ये क्लॉक, ये देखो कितना छोटा। यहाँ मैं इसको इतना चुप करा रही हूँ कि चुप हो जाओ, ये ले कर दूंगी, वो ले कर दूंगी, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही और रोए जा रही थी बस। तो गाइस, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा जिद कर रही है, इसलिए उसको मैंने अभी घर लेकर दिया और वो रोने लग गई बहुत ज्यादा। अब हम उसको लेकर चलते हैं घर, वरना वो और रोएगी। वो तो अभी भी रो ही रही है। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, बहुत घूम कर आ गए हम, अब बैठो आराम से। क्या करना है मेरी बेटी को? वाह, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मुझे ये बताओ कि आप सिर्फ मेरी बात सुनोगी, ठीक है? बोलो हाँ, मैं मम्मी आपकी ही बात सुनूंगी। मम्मी मैं आपकी बात सुनूंगी। हाँ। वाह, मेरी बेटी की एक्टिंग देखो सोने की। वाह, मतलब लेटते ही सो गई, लेटते ही। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और जैसे कि मैं मम्मी बनी हूँ तो मेरे सर पे हजार काम है घर के। मैंने कुछ भी नहीं किया सुबह से, इसको लेकर जो मैं चली गई बाहर घुमाने के लिए, मेरे पास सर पे इतने काम है। देखो कुकर की सीटी भी बज रही है, जल्दी से खाना बनाने चलती है। जब तक ये सो रही है ना, तब मैं सारा कुछ कर लूंगी। बच्चा संभालो, घर संभालो, कितने काम हो गए हैं मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम बनना बहुत मुश्किल है, तो अपनी अपनी मॉम के लिए आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि वो आपकी सारी बात मानती है यार, तो लाइक तो बनता ही है। अरे रूम से खटर पटर की आवाज क्या आ रही है? मैं निंजा हटौड़ी आ गया हूँ। ये क्या किया? कितनी मुश्किल से तुम्हारे पापा मुझे सब कुछ खरीद कर देते हैं और सारा कुछ इसने वेस्ट कर दिया। क्या करूँ अब, मैं कैसे रहूंगी बिना मेकअप के? छोड़ो बेटा उसको, छोड़ो, रखो रखो उसको, समझ नहीं आती तुम्हें मेरी।
5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ। भैया आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। समझे आप लोग, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अरे बेटा पोटी भी अभी लगी थी, आटा तो गूंदने देती मुझे। चलो ठीक है, आओ आओ चलिए चलिए चलिए। मम्मी आ गया, दो दो आटा भी नहीं गूंदने दे रही है लड़की। आई बेटा रुक जाओ। बहुत थक गई, अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है अपने लिए, तो अभी मैं टीवी देखूंगी आराम से। ये फिर आ गई, चलो कोई टीवी नहीं देखना है, चलो हो गया सोने का टाइम, आ जाओ चलो। क्या सुनना है, लोरी सुननी है, कहानी सुननी है, क्या करना है बताओ? कहानी सुननी है। कौन सी कहानी सुननी है? परी वाली सुनोगी? एक जंगल में एक परी रहती थी। देखा मेरी बच्ची मेरी कहानी सुनते ही सो जाती है, वो भी डेली। मैं उसको ऐसी कोई कोई कहानी सुनाती हूँ, वो भी खुद से बनाकर, और ये सुनकर सो जाती है। अब मैं बाकी घर के कुछ बच्चे का काम है तो वो कर लेती हूँ, और बस फिर मैं भी सो जाऊंगी जाके। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, और एक माँ बनने का काम बहुत मुश्किल का काम होता है, और एक बच्चे को संभालना वो और भी ज्यादा मुश्किल का। मेरी तो आज पूरे दिन में हालत खराब हो गई है बिल्कुल। तो ये भी खत्म होती है मेरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करती है। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या बुलाती है, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।